सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आप WhatsApp का स्टेटस किस तरह से अपना फ़ोन पर सेव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, किसी का भी WhatsApp का स्टेटस अगर आपको अच्छा लगा और आप अपना फ़ोन में रखना चाहते हो या फिर आप खुद लगाना चाहते हो तो आप उसको किस तरह से कर पाओगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है गूगल फाइल्स। तो यहाँ पर आ रहा है गूगल फाइल्स, तो आपको इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं इसको अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है आपको ऊपर में यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसको ऑन कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर काम ख़त्म है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। अभी आप अपना WhatsApp पर जाइए, WhatsApp पर जाकर आप जो भी स्टेटस देखोगे, ठीक है, तो जो भी स्टेटस आप अपना WhatsApp पर देखोगे, तो यहाँ पर मैं कोई भी स्टेटस अपना देख लेता हूँ। चलिए ओके, चलिए जो भी स्टेटस आप देखोगे यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर मैं स्टेटस कुछ देख रहा हूँ अभी, तो ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस स्टेटस को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि भाई आपको किस तरह से जो है ये स्टेटस मिल जाएगा। तो देखिए स्टेटस अभी रनिंग हो रहा है, मैं इसको ख़त्म होने देता हूँ। तो ओके, ये स्टेटस जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इसको बैक कर देते हैं और बैक करने के बाद जो है अभी हम लोग चलेंगे अपने फाइल मैनेजर पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का फाइल मैनेजर है अपना खुद का मोबाइल का, तो आप यहाँ पर चले जाइए। उसके बाद आप अपना जो है इंटरनेट स्टोर पर चले जाइए और यहाँ पर आप सर्च कर दीजिए अपना WhatsApp। ठीक है, WhatsApp आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए, सॉरी WhatsApp। ठीक है, तो WhatsApp आप सर्च कर दीजिए और यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको WhatsApp पर आ जाना है। WhatsApp पर आने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो मीडिया पर आपको क्लिक कर लेना है। और मीडिया पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर ऊपर में देखिए स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, आपका नीचे में भी हो सकता है, तो आप स्टेटस जो है वो ढूंढ लेना और उसके बाद स्टेटस को ओपन कर लेना है। तो अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा था वो जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा था वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये वाला अभी लास्ट में चल रहा था, तो ये वाला लास्ट जो वीडियो है यही था। ठीक है, अभी जो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला वीडियो, हाँ चला गया, ये देखिए ये वाला WhatsApp का है, तो यही वीडियो जो है हम लोग का वहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को जो है प्ले करके रखा था। तो भाई इसीलिए जो है ये जो है अपना WhatsApp पर यहाँ पर जो है ये वाला वीडियो जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में भी ये भी वीडियो होगा शायद, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट का जो वीडियो देखा था वो सब यहाँ पर आ रहा है, ये भी आएगा शायद, पहला वाला वीडियो ये होगा, ये देखिए कुत्ता वाला, ये भी जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको एक बार कन्फर्म करने के लिए। तो फिर से यहाँ पर ये देखिए ये कुत्ता वाला वीडियो जो है वो भी वहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो है आप अपना किसी का भी स्टेटस अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है अपना फाइल मैनेजर पर सेव कर सकते हो। उसके लिए जैसे मैंने बोला है उसी तरह से आपको करना है, फाइल जो है गूगल फाइल जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।